तो मैं उस सुख सर सर मुझे यकीन है कि थंबनेल को देखकर तुम सबको ये वाला आइडिया हो गया होगा कि ये वाली वीडियो किस हवाले से होने लगी है ना। तो मैं आ गया हूँ सब बड़े क्रिएटर्स को थंबनेल पर चिपका कर व्यूज हासिल करने के लिए, ताकि मेरे पास भी थोड़े बहुत व्यूज आ सके। ये जमा नहीं है बहनचोद, रुको जरा, क्योंकि वैसे तुम लोगों ने मेरी किसी वीडियो को तो शेयर करना नहीं है, सब्सक्राइब भी नहीं करके रखा हुआ मेरे चैनल को, और ना ही तुम लोग दिल से कमेंट करते हो। कर दिया करो बहन के लड़ो, क्या जाएगा तुम्हारा, सब चूतिया है सब के सब। या फिर मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका व्यूज लेने का, जो की है सरसों का तेल लगा के उल्टा ले। तो टाइटल में तुमने अनफेयर को तो पढ़ लिया होगा, तो ये अनफेयर क्यों है ये भी तुमको मैं बताने आया हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले ये वाली बात याद रख लेना कि भाई हेड किसी को भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत शुगर लगाऊंगा और थोड़ा बहुत कड़वा सच भी बस खत्म। मगर फिर भी किसी को शक हुआ तो तुमको कमरे में दो दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, फिर जाकर ठुलोगा ये वाली बात बोलते रहना। बहुत मारा मतलब माँ चोदी, अपनी गाड़ी का छटा गेर मार के चलते हैं सीधा मुद्दे पर। तो फिर चलो भाई, चलो भाई। एंड द विनर इज डकी भाई। अब जिसने भी डकी भाई को वोट दिया है ना, सब लोग लम्बा पा गए, तू ये ना फेर मारो। यार देखो इस बंदे को भी काफी टाइम हो चुका है यूट्यूब पर, इससे अच्छे भी क्रिएटर्स हैं जैसे कि मैं। Shut the fuck up. सब छोड़ो, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे लो कि भाई इस बंदे ने ऐसा क्या अनोखा काम किया जो इतने अच्छे क्रिएटर्स को छोड़कर इस बंदे को अवार्ड मिल चुका है, वो भी दूसरी बार। अब मेरी बात आज लिख लो कि भाई यूट्यूब अगर ऐसे चलता रहा ना तो अगले साल भी इस बंदे ने पीछा ले जाना है। मैं लिख के देता हूँ। नहीं यकीन तो ये वाली वीडियो जब अपलोड होगी ना, मतलब मेरी गणवो, तो आज के दिन और जब तक अगला पीछा अवार्ड लगेगा वो दिन गिनते जाओ। फिर आना मेरे पास और ये वाली बार पूछना, कह रहा ये वाला बंदा बात ठीक कर रहा था या फिर गलत। जली ना तेरी भी जली ना। नहीं 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 भाई, मैं कोई जलता वलता नहीं हूँ, मगर शायद मेरी खुशी करना था तो मैं से कोई भी बना नहीं लगा सकता। देखिए भाई के हाँ जब दूसरी बार अवार्ड मिला था ना तो भाई मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि जाहिर है मेरे पापा को अवार्ड मिल चुका है, अब उनका मैं इंतजार करूँ कि भाई वो घर कब लेकर आएंगे। मैं वो शिद्दत से उनका वेट करूँ कि यार मुंह पे लोड़े मारूंगा इनके, तेरे मुंह च लोड़े। रणवीर की तरफ देखिए भाई ने आगे शेड पर वो वाली लिद कर दिया ना, खुद देखो पहले। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई वांट टू थैंक माय मॉम। हग दिया। आई थैंक्स टू माय मॉम एंड माय डॉग। भोसड़ी की अपने घर की बातें आगे स्टेज पर एम ही बक देते हैं और भाई इसको सो कॉल्ड मोटिवेशन का नाम देते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि जब इनका यूट्यूब का चैनल ग्रो कर जाए ना तो उसको मेरा नहीं बल्कि हमारा चैनल का नाम दिया जाता है। अगर बहन के लोग तुम लोग इतने सगे हो तो अपने चैनल का ईमेल और पासवर्ड भी उठा के ना पब्लिक कर दो, हमारा चैनल है ना, मेरा थोड़ी है। कोई बात नहीं। अब एक सवाल है कि अगर डकी भाई डिजर्व नहीं करता तो भाई कौन करता है? तो यार इसका जवाब है जुनेद अकरम। यप, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं जीता, और यार मुझे इस बात का भी आइडिया नहीं है कि वो नॉमिनेट हुआ भी है या फिर नहीं, बट वो डिजर्व करता था। बाकी यार मर्जी है पीसा वालों की, पैसे नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अगला सीन था बेस्ट व्लॉगर, तो इसका अवार्ड वन एंड ओनली शाविर जाफरी को मिल चुका है। शर्म करो भैंड खिलौड़ो, क्या देखा तुमने इसमें? अरे शर्म करो, अगर ये अवार्ड इरफान जुनेद को मिल जाता तो भाई मेरे को भी पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होती। अब ये मत आकर बोलते रहना कि यार मैं तो उस बंदे का हेटर था। हाँ मैं था, मगर वो पुरानी बात हो चुकी है, ये बंदा भी सुधर गया तो भाई मैं भी सुधर ही गया हूँ। ये बंदा इस साल का अवार्ड टोटली डिजर्व करता था, मगर भैंड जो उस टट्टे का अवार्ड मिल गया जो कि पता नहीं लास्ट टाइम पाकिस्तान कब आया था। रहमान तार बहिंचोदो। मूविंग ऑन, अगला अवार्ड था बेस्ट टिकटॉकर ऑफ द ईयर, तो इसकी विनर कौन? जन्नत मिर्जा। देश संकट में है। चलो डकी जीता मान लिया, ठीक है चलता है इतना, शावी जीता तब भी ठीक है मान लिया, मगर यार बेस्ट टिकटॉकर ऑफ द ईयर यकीनन जन्नत से दोजख तक का सफर काफी अच्छा रहा होगा। जनाब साहब जापान में बैठी हुई है और अवार्ड पिक करने नहीं आ सकी। खैर भाई सही है इसका भी, खेल पैसे पर ही है तो छोड़ो सर। नेक्स्ट, थंबनेल पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगर तुमने गौर किया हो वो कौन हो सकती है गेस करो। मादर छितर कोई नहीं है, रोमैसा खान है। भाई साहब क्या अवार्ड मिला है इसको, वो भी डिजिटल क्रिएटर ऑफ द ईयर। वैसे चलो एक बार कंटेंट देख लेते हैं रोमैसा जी का। यशराज ने मुझे फिल्म ऑफर की थी बैंक चोर, और मैंने वो फिल्म मना कर दी बिकॉज मैं क्रिएटिवली उसको पसंद नहीं करता था और वो फिल्म फ्लॉप। पुरानी वीडियोस उठाकर क्यों इसको जज कर रहा, अब जाकर देख कैसी वीडियोस बनाता बनाती। हाँ भाई जाहिर है ना, टिकटॉक पर आके चबलियां मारना और उसको मुंह उठा के अवार्ड दे देना क्यों यार। वैसे यार सारी बातों को साइड पर रखो, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड शो है, मगर इसकी ऑफिशियल स्ट्रीमिंग कहाँ होती है कोई नहीं पता। ये प्रिंट मैं दूसरों से उठा उठा कर डाल रहा हूँ, यार ये कोई ऑफिशियल तो है नहीं, नकल कर लिया गौरों की मगर अक्ल नहीं आई। यार देखो एंड सारी बातों को रखो एक तरफ, और मेरा ओपिनियन ये है
तरह जुनेजा और जुनेद अकरम को अवार्ड भी नहीं मिला तो भाई मेरा दिल टूट सा हो चुका है, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते थे। और बाकी टिकटॉकर ऑफ द ईयर बहन चोद, कल को ये लड़की पाकिस्तान को छोटी सोच वाला बोल रही थी और ये बोल रही अगले दिन जापान भाग गई थी और अभी तक वहीं पर बैठी हुई है फिलहाल। मगर इसको अवार्ड भी देने वाले कौन है, हम पाकिस्तानी ही है। वजह क्या है, लड़की है। सेकंड, फॉलोअर्स है, पता नहीं फेक है रियल है ये नहीं पता, लेकिन फॉलोअर्स है इसके। पाकिस्तानियों को गलत बात भी कर देती है लेकिन हम लोग फिर भी इसको वोट देंगे। एक दिन हम लोग इनको गालियां देंगे और अगले दिन हम ही लोग इनको वोट देकर इनको अवार्ड जिता देते हैं। दोगली हो भाई कसम से, थोड़ी सी शर्म ही कर लो बहन, जो जहाँ के नमक खाया उधर ही आराम कर दिया। उम्मीद है काफी लोगों को इशारा मिल गया होगा। तो भाई लोग देखो, अगर तुमको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो मारो, क्योंकि मैं वहां पर दोहलापन नहीं करता होता। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ठोक देना ताकि इस चैनल की थोड़ी बहुत टोर बन सके। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर मारना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए छिक के रखो।